नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, बागोरा हत्याकांड अपन ने पिछली बार पढ़ा था, जिसकी काफ़ी इतिहास के अंदर आलोचना भी की गई। बताया जाता है कि इसके बाद राजा उदय सिंह खंडेला के अंदर काबिज रहे, और जब वो जाट विद्रोह के अंदर वापस आ गए थे, सैयद के ग्रुप में थे, और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह दिल्ली सुल्तान के पक्ष में थे। जब दोनों के पक्ष अलग अलग हो गए तो सवाई जय सिंह ने अपनी सेना खंडेला के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजी। बताया जाता है कि खंडेला के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो राजा उदय सिंह एक महीने तक जयपुर की सेना का सामना करते रहे, और आखिर में अपने किले के अंदर अनाज और पानी की व्यवस्था ख़त्म होने के बाद उनको लगा कि आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। तब वो आत्मसमर्पण नहीं करके अपने ससुराल बड़ू चले गए और वहीं रहने लगे। बताया जाता है कि उनके पुत्र उदय सिंह जी के पुत्र सवाई सिंह, जो कि जयपुर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, और जयपुर ने उनको खंडेला का राजा भी घोषित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जयपुर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए खंडेला के गढ़ पर 64,000 वार्षिक कर देने के लिए बाध्य कर दिया, और ये कर अब एक स्थायी रूप ले चुका था। बताया जाता है कि कुछ समय बाद जब ये बात राजा उदय सिंह को पता चली तो उन्होंने लाडखानी शेखावतों को साथ में लेकर के वापस अपने पुत्र पर आक्रमण किया और खंडेला पर अधिकार कर लिया, और खंडेला वापस राजा उदय सिंह के पास आ गया। और राजा उदय सिंह के पास खंडेला आने के बाद उनका पुत्र कौन सा खाली बैठने वाला था? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जयपुर में जाकर वापस गुहार लगाई और जयपुर की सेना को कर देने के लिए राजी कर लिया, और कर देने के बाद खुद खंडेला का राजा बनने के लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने जयपुर की सेना से वापस खंडेला के ऊपर आक्रमण करवाया, और उस आक्रमण के अंदर फिर से राजा उदय सिंह हार गए, और खंडेला के ऊपर एकमात्र राजा जयपुर ने अब सवाई सिंह जी को बना दिया। सवाई सिंह जी भी दोस्तों इस प्रकार से राज्य पाने की लालसा के अंदर इतने ज़्यादा गिर चुके थे कि वो राज्य अब उनके लिए चलाना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में बताया जाता है कि उनके नसीब में भी ज़्यादा राज्य लिखा हुआ नहीं था, शासन लिखा हुआ नहीं था, और उसके बाद आने वाली पुस्तों में लगातार उनका चलता रहा, और ये इजारा प्रथा बोलते थे जिसको, इजारे के अंदर दिया हुआ था। खंडेला नाम मात्र के राजा बनाए हुए थे। उसके बाद में वृंदावन दास आए, वृंदावन दास खंडेला के राजा बने। वृंदावन दास जी ने भी जब जयपुर का कर चुकाने के लिए व्यवस्था नहीं दिखी तो उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर कर बढ़ा दिया। इसके भी इतिहास के खंडेला के इतिहास के अंदर काफ़ी आलोचना की गई, और उन्होंने फिर उनका मोह भंग हो गया तो उन्होंने अपने पुत्र गोविंद सिंह को राज्य सौंप दिया, और गोविंद सिंह को राज्य सौंप करके खुद ने संन्यास धारण कर लिया। बताया जाता है कि राजा वृंदावन दास जयपुर और जोधपुर के बीच में जो गिंगोली की लड़ाई थी, गिंगोली पर्वतसर का युद्ध था, उसके अंदर लड़े और उसी में काम आ गए। उनका वैसे भी वैराग्य मन हो चुका था, और उन्होंने उस युद्ध के अंदर अपनी वीरगति प्राप्त की। उसके बाद बताया जाता है कि गोविंद सिंह राजा बने हुए थे, और इनके जीवन का एक और किस्सा बताया जाता है कि दोस्तों जब इतना कर बढ़ चुका था तो गोविंद सिंह जी हर गांव के अंदर जितनी उपज हो रही थी उस उपज का बारीक निरीक्षण कर रहे थे। उसी समय उनका चिलमपोस वहीं कहीं गुम हो गया था, और वो बताया जाता है कि किसी खेजडोलिया शेखावत के पास मिला, और जब वो खेजडोलिया शेखावत के पास चेक करने पे मिला तो राजा गोविंद सिंह ने भला बुरा कहा, और उसके बाद बताया जाता है कि उसी खेजडोलिया युवक ने राजा गोविंद सिंह का एक दिन रात में सोते हुए कत्ल कर दिया।